सावन के महीने में हमें ऐसे कौन कौन से पौधे लगाने चाहिए जिनसे भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं। आज मैं आपको पांच ऐसे पौधे दिखा रहा हूँ जिनको आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल कर लें। इनके फूल मंदिर में चढ़ाए जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि ये पौधे हम अपने घर में लगा लेते हैं तो चारों तरफ शांति का वास हो जाता है। वास्तुशास्त्र की बात माने तो ये पौधे हमारे गार्डन में सुख समृद्धि लाते हैं और ऐसा माना जाता है कि इन पौधों को हमारे घर में लगा लिया जाए तो ये पौधे पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं इन सभी पौधों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला प्लांट है ये सफ़ेद आक। सावन के महीने में सफ़ेद आक का पौधा आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। ये पौधा भगवान शिव जी को प्रिय होता है और इनके फूल मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। भगवान शिव जी की पूजा की जाती है तो इनके फूलों को मंदिर में ज़रूर चढ़ाया जाता है। ये देखिए दोस्तों, सफ़ेद आक के पौधे के इस प्रकार ये फूल होते हैं और इनके फूलों को आप पूजा में इस्तेमाल कीजिए। अब इस समय ये आएंगे। दूसरे नंबर पर है हरसिंगार। हरसिंगार के पौधों की भी अब इस समय बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये भी एक शुभ पौधा माना जाता है और इसमें भी चक्कर के आकार के छोटे छोटे सुंदर फूल होते हैं। इनके फूलों को भी मंदिर में चढ़ाया जाता है। आप ये हरसिंगार के पौधे अपने गार्डन में ज़रूर शामिल कर लें। यदि आपके पास ये पौधे नहीं हैं तो आप इनकी कटिंग भी लगा सकते हैं। अब बरसात के सीजन में हरसिंगार के पौधों की कटिंग लगाकर इनके बहुत सारे पौधे बनाए जा सकते हैं। हरसिंगार के पौधों में रात के समय फ्लावरिंग होती है और इनके छोटे छोटे सफ़ेद रंग के फूल बहुत ही खुशबूदार होते हैं। आप इन पौधों को अपने गार्डन में ज़रूर शामिल कर लें। सावन के महीने में मोगरा के पौधे भी लगाए जाते हैं और ये मोगरा के सफ़ेद रंग के खुशबूदार फूल भगवान शिव जी के बहुत ही प्रिय होते हैं। आप इन फूलों को भी पूजा में इस्तेमाल कीजिए। इस पौधे के खुशबूदार फूल हमारे गार्डन को खुशबू से भर देते हैं और ये एक शुभ पौधा माना जाता है। मोगरा के इन पौधों में पूरी गर्मी के सीज़न में फ्लावरिंग होती रहती है। आप इनके फूलों को तोड़कर माला भी बना सकते हैं और इनको मंदिर में भी चढ़ाया जाता है। ये देखिए दोस्तों, कितने सुंदर फूल इनमें खिले हुए हैं। इन पौधों को लगाने के लिए नर्सरी भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपको कहीं भी ये पौधा मिल जाता है तो इसकी छोटी सी कटिंग काट कर लगा लें। इसकी छोटी सी कटिंग भी बहुत ही आसानी से लग जाती है। अब बरसात के सीज़न में टाइम है, आप इन पौधों को अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है काला धतूरा। काला धतूरा भी भगवान शिव जी को बहुत ही प्रिय होता है। आप ये पौधा अब सावन के महीने में ज़रूर अपने गार्डन में शामिल करें। धतूरे की दो वैरायटीज होती हैं, एक में सफ़ेद कलर के फूल खिलते हैं और एक में काले रंग के फूल खिलते हैं। आप इन पौधों को अपने गार्डन में ज़रूर लगा लें। पाँचवें नंबर पर मैं आपको एक ऐसा पौधा बता रहा हूँ जो भगवान शिव जी की पूजा में इस्तेमाल किया जाता है और इसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं। बेलपत्र हमारे घर में आसानी से लगाया जा सकता है और नीचे ज़मीन में यदि हम इस पौधे को लगा लेते हैं तो इसका एक बड़ा पेड़ बन जाता है। बेलपत्र का जूस निकाल कर पिया जाता है और ये पौधा हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अब सावन के महीने में इन पांच पौधों को अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें ताकि इनको आप पूजा में इस्तेमाल कर पाएँ और भगवान शिव जी की कृपा आप सभी पर बनी रहें।